students today we teach lesson number second phrase and sentence. आज हम देखेंगे phrase किसे कहते हैं, what is the phrase. phrase यानी मुहावरे होते हैं. then sentence है, sentence यानी वाक्य. ठीक है, इसमें क्या होता है, group of a words. okay, जिससे हमें sense पता चलता है उसे कहते हैं sentences. and phrase group of a word पर उससे हमें हाफ ही सेंस पता चलता है, सेंस कभी भी पता भी नहीं चलता उसे कहते हैं फ्रेज. चलिए देखते हैं डिटेल्स में अभी. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली ओपन योर टेक्स्ट बुक्स ऑन पेज नंबर 34. देयर आर सेकंड नंबर लेसन फ्रेज एंड सेंटेंस. यू नो दैट ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. ऐसे ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप जिसे हमें सेंस यानी कुछ जानकारी मिलती है उसे कहते हैं सेंटेंस. ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ ए वर्ड दैट मेक सेंस बट डजेंट गिव कम्प्लीट मीनिंग. ऐसा ग्रुप का वर्ड का ग्रुप जिसे हमें सेंस पता चलता है पर उसका एग्जैक्टली हमें मीनिंग नहीं मिलता उसे कहते हैं फ्रेज. जैसे रीड अ फॉलोइंग एग्जाम्पल. इन दिस सिटी एट द लास्ट मोमेंट एट नाइट ईच ऑफ द अबाउ गिवन फ्रेजेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वेन अ सुटेबल सब्जेक्ट एंड वर्ब इज सप्लाइड टू इट. अगर इसमें हमने वर्ब और सब्जेक्ट ऐड कर दिए तो हमें सेंस पता चलता है यानी मीनिंग मिलता है कम्प्लीटली. बट एक है फ्रेजेस है, इससे हम इन द सिटी सिटी में एट अ लास्ट मोमेंट में एट नाइट रात को पर क्या हुआ, कैसे हुआ ये पता है क्या, नहीं. तो इसे फ्रेज कहते हैं. ए फ्रेज कैन बी चेंज इनटू सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल एंड टू इट. अगर फ्रेज में हमने सेंटेंस में कुछ ऐड कर दिए, सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर दिए तो हमें उसका मीनिंग मिलता है. सो स्टूडेंट्स, आपको ये जो है सेंटेंस किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं दोनों आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है. देन येलो कलर में जो हाईलाइट किया है वो भी राइट डाउन करना है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दे लिव इन दिस सिटी. देखिए यहाँ पे पहले क्या था, इन दिस सिटी, बाद में दे लिव इन दिस सिटी. यहाँ दे सब्जेक्ट एंड लिव वर्ब एड कर दिया तो क्या हो गया, दे लिव इन दिस सिटी, वो इस सिटी में रहते हैं. ये एक मीनिंगफुल हमें वहां पे एक सेंटेंस मिल गया है. ही ज्वाइन द टीम एट द लास्ट मोमेंट उसने टीम को ज्वाइन कर दिया. यहाँ पे ही और ज्वाइन, ही सब्जेक्ट है, ज्वाइन वर्ब है. ही केम लेट एट नाइट, और रात को जो है कि बहुत लेट आया. यहाँ पे भी ही और केम या सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐड कर दिया तो हमें उसका एक मीनिंग मिल गया है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से फ्रेज होते हैं, सेंटेंस होते हैं. फ्रेज से क्या होता है, सेंस तो बनता है पर एग्जैक्टली मीनिंग नहीं मिलता. सेंटेंस यानी ऐसा वर्ड का ग्रुप होता है जिसे हमें एग्जैक्टली मीनिंग मिलता है, कंप्लीट सेंस होता है. ओके, तो चलिए देखते हैं इस पे एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज जो है आपको टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करनी है, साथ में आपकी जो नोटबुक है ग्रामर की उसमें भी आपको सॉल्व करनी है. फर्स्ट, फाइंड द फ्रेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. यहाँ जो है हमें फ्रेज जो है फाइंड करने है, सर्च करने है, अंडरलाइन करके साइड में लिखने है. फर्स्ट है, फादर केम होम क्वाइट लेट एट नाइट. यहाँ पे एट नाइट एक फ्रेज है, ठीक है, क्वाइट लेट भी एक फ्रेज है तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं. यहाँ लिखा है एट नाइट. नेक्स्ट, चिल्ड्रन लेफ्ट फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग. यहाँ पे देखिए इन द मॉर्निंग ये फ्रेज है, यहाँ आपको लिखना है इन द मॉर्निंग अंडरलाइन करके. नेक्स्ट, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द पार्क. यहाँ पे इन द पार्क ये फ्रेज है, यहाँ पे भी आपको लिखना है इन द पार्क. नेक्स्ट, स्मोक वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी. यहाँ पे आउट फ्रॉम द चिमनी ए फ्रेज है, यहाँ पे लिखना है अंडरलाइन करके. नेक्स्ट, डिनर वॉज लेड ऑन द टेबल. जो है कि डिनर टेबल पे रखा था, यहाँ लेड ऑन द टेबल ए फ्रेज है तो यहाँ पे आपको लिखना है. नेक्स्ट, देर इज अ स्विच बोर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. यहाँ पे इन द कॉर्नर ए फ्रेज है, यहाँ राइट डाउन करना है. ओके, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन वन, यहाँ पे जो है एट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द पार्क, आउट फ्रॉम द चिमनी, लेड ऑन द टेबल, लेड ऑन द लिखा तो भी चलेगा. नेक्स्ट, यहाँ पे इन द कॉर्नर, ये सभी फ्रेज है तो यहाँ आपको राइट डाउन करने हैं, नोटबुक में भी लिखने हैं, साथ में जो किताब है टेक्स्ट बुक वहाँ पे भी लिखना है. नेक्स्ट दिया है पेज नंबर 35 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई सुटेबल सब्जेक्ट एंड वर्ब टू द फ्रेजेस गिवन बिलो टू मेक अ कंप्लीट सेंस. यहाँ पे हमें सप्लाई करना है, सब्जेक्ट वर्ब लिखना है, फ्रेज ऐड करना है. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एक आपको करके दिया है. जैसे एट नाइट है, इन द आफ्टरनून, लुक आफ्टर, कीप अस, केयर फॉर,
set out in the morning in a hurry last month for 2 weeks. ओके यहाँ हमें सेंटेंस बनाने हैं, सब्जेक्ट ऐड करने हैं, वर्ब ऐड करना है, फ्रेज ऐड करना है. फ्रेज यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट और वर्ब जो स्ट्रक्चर है हमसे हमें मन से तैयार करना है. फर्स्ट है सुरेश ऑलवेज गेट अप इन द मॉर्निंग. सुरेश सुबह सुबह उठता है, मॉर्निंग में उठता है. ओके तो चलिए अभी सेकंड हम करेंगे. यहाँ पे आपको लिखना है शी केम अर्ली एट नाइट. ओके नेक्स्ट जो है थर्ड एट नाइट का हमने बनाया है. नेक्स्ट है ही स्टडी फॉर दिस एग्जाम फॉर 2 वीक्स. यहाँ पे देखिए फॉर 2 वीक्स ये लिया हमने और यहाँ पे बनाया है ही स्टडी फॉर दिस एग्जाम फॉर 2 वीक्स. नेक्स्ट फोर्थ में सुधा ज्वाइन दिस कोर्स लास्ट मंथ. यहाँ जो है आपको लास्ट मंथ की फ्रेज दी है, यहाँ पे हमने किया है फोर्थ में सुधा ज्वाइन, ईडी लगाना है ज्वाइन को, दिस कोर्स लास्ट मंथ ऐसे लिखना है. नेक्स्ट फिफ्थ दे आर ऑलवेज इन हरी. वो हमेशा जो है कि हरी में रहते हैं, इन ए हरी. ओके उनको बहुत जल्दी होती है, जल्दी में वो रहते हैं. तो फिफ्थ में आपको लिखना है दे आर ऑलवेज इन हरी. ओके नेक्स्ट सिक्स में गुड फूड कीप अस हेल्दी. यहाँ पे कीप अस है तो उसका हमने फ्रेज जो है सेंटेंस बनाया है फिफ्थ में, सॉरी सिक्स में लिखना है गुड फूड कीप अस हेल्दी. ओके और कीप अस को अंडरलाइन करनी है आपको. नेक्स्ट देखिए सेवन में एवरी मदर्स केयर फॉर देयर चाइल्ड. यहाँ पे जो केयर फॉर है यहाँ पे देख सकते हो, इसका हमने सेंटेंस बनाया है सेवन में एवरी मदर केयर्स फॉर देयर चाइल्ड. ओके एट नंबर में वी प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून. यहाँ पे इन द आफ्टरनून का बनाया है हमने, आपको लिखना है एट में वी प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून. ओके नाइन में वी आर गोइंग टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ जो है इन द मॉर्निंग ये जो है हमने इस्तेमाल की है तो आपको लिखना है वी आर गोइंग टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे आपको लिखना है. नेक्स्ट टेन में शी केयर्स फॉर एल्डरली पेशेंट लिखना आपको, शी केयर्स फॉर एल्डरली पेशेंट. ओके सो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आपको ये सॉल्व करना है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करना है, साथ में आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करना है. ओके तो जो है आज हमने सेकंड नंबर का लेसन देखा है फ्रेज एंड सेंटेंस. तो इसमें जो है आपको ये लेसन अच्छे से जो वीडियो है देख कर अंडरस्टैंड कर लेना है. देन इसकी एक्सरसाइज ग्रामर की नोटबुक में सॉल्व करनी है, साथ में जो टेक्स्ट बुक किताब है उसमें भी सॉल्व करके उसकी फोटो मुझे सेंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टॉप हियर. थैंक यू.